हंड्रेड ऑफ डैश ऑब्वियसली हंड्रेड ऑफ प्रोटीन से तो नहीं बने हैं दैट आर प्री ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन हमारे पास बनी है अमाइनो एसिड से इसी तरह हमारे पास क्योंकि सब यूनिट है अमाइनो एसिड इसलिए एंजाइम्स आर कम्पोज ऑफ हंड्रेड ऑफ अमाइनो एसिड जो ज्वाइन होकर बनाते हैं प्रोटीन्स नंबर टू एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज नॉन एज अ को फैक्टर नंबर थ्री मैनी एंजाइम्स रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल डैश फॉर देअर प्रॉपर फंक्शनिंग अब दोनों तरफ हमारे पास नॉन प्रोटीन कंपोनेंट और पार्ट है दैट इज को फैक्टर अब को फैक्टर और प्रोस्थैटिक ग्रुप में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वॉट इज को फैक्टर एंड वॉट इज अ प्रोस्थैटिक ग्रुप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ये है हमारे पास एक एन्ज़ैम और इसके साथ आकर जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है दैट इज़ अ को फैक्टर को फैक्टर की आगे से तीन टाइप हैं एजेंशियल आयंस और मेटल आयंस, को एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप बाउंड और प्रोस्थेटिक ग्रुप है टाइटली बाउंड अगर हमारे पास लूजली या टाइटली बाउंड मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट और कंपोनेंट को एज अ को फैक्टर नंबर फोर एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर एंजाइम्स क्या हैं हाईली स्पेसिफिक हैं यानी इनका पीएच, एच टेम्परेचर और इनका स्ट्रक्चर सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए थोड़ी सी भी अगर इसमें चेंज होती है तो एंजाइम काम नहीं करता नंबर फाइव दी एंजाइम्स विच कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ रॉबोसोम अब इन्ज़ैम हमारे पास जितने भी सेल में और बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उसको स्पीड अप करते हैं खुद यूज़ नहीं होते उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता सिर्फ हमारे पास स्पीड तेज़ कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की इसीलिए हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम के अंदर बेसिक क्या काम होता है दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाई जाती है तो एंजाइम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कैटेलाइज कर रहे हैं यानी उसको स्पीड अप कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स नंबर वन photosynthesis are आर फाउंड इन mitochondria. अब यहां पर बात हो रही है प्लांट सेल की जिसमें फोटोसिंथेसिस के एंजाइम कह रहे हैं प्रेजेंट हैं माइटोकॉन्ड्रिया में दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के एंजाइम इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनाली है जहाँ पे हमारे पास बनता है क्लोरोफिल और यहाँ पे हमारे पास होती है फोटोसिंथेसिस दैट इज शुगर फॉर्मेशन प्लांट को जो हमारे पास फूड चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर ग्लूकोज दैट इज बाय द प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस अब नंबर टू लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन अब हमारे पास जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी एंजाइम की उतना ही हमारे पास इसका रिएक्शन यानी स्पीड ज़्यादा होगी रिएक्शन की तो ये हमारे पास है फॉल स्टेटमेंट क्योंकि लार्ज अमाउंट की ज़रूरत नहीं है हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए एंजाइम की वो थोड़ी सी रिएक्शन के लिए हमारे पास अमाउंट ही काफ़ी होती है थोड़ी सी अमाउंट एंजाइम की हमारे पास स्पीड अप कर सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ठीक है तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल अमाउंट नंबर थ्री कैल्विन मेलविन अ लॉक एंड की मॉडल फॉर एनजाइम ये भी है फॉल्स कैल्विन की जगह हमारे पास थे एमल जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया एंजाइम्स के लिए नंबर फोर एक्टिव साइट ऑफ एनजाम ये भी फॉल्स है क्योंकि हमारे पास एक्टिव साइट की दो हैं दैट इज़ अ बाइंडिंग साइट एंड अ कैटालाइटिक साइट नंबर फाइव स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हैज़ नो स्पेसिफ़िक इम्पोर्टेंस कि हमारे पास एंज़ाइम के स्ट्रक्चर की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है यह है फॉल्स क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमारे पास ऑल्टरनेशन आती है एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो एंजाइम काम नहीं करता एंजाइम हमने पीछे ब्लैंक्स में भी देखा था कि हाईली स्पेसिफिक है अपने रिएक्शन में इसका स्ट्रक्चर पीएच एच ये सारा कुछ बैलेंस होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए तभी ये काम करेगा क्वेश्चन नंबर थ्री ईच क्वेश्चन हैज़ फोर ऑप्शन इन सर्कल द करेक्ट आंसर नंबर वन इफ़ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अक्रिंग एनजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड मोर एनजाइम एक्टिविटी इज सीन अगर हमारे पास एक पहले से मौजूद एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर हमने और सबस्ट्रेट ऐड किया है उस सबस्ट्रेट के ऐड करने की वजह से हमारे पास इसकी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी क्या वजह है इन ऑप्शन के अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी देर इज़ प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देर इज़ सबस्ट्रेट हमारे पास रिएक्शन की स्पीड इसलिए बढ़ी है क्योंकि बहुत से एंजाम अभी तक फ्री पड़े हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकते हैं सबस्ट्रेट हमने ऐड किया तो जाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन स्पीड अप होगा इसी चीज़ को हम ग्राफिकली देख लेते हैं ये है वाई एक्सेस पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी इसकी स्पीड रिएक्शन की और एक्स एक्सेस पे है सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन यानी वो अमाउंट सबस्ट्रेट की जो हम ऐड करते हैं अब ग्राफिकली हमारे पास ब्राउन कलर में दिया है एंजाइम और ये डॉटेड में है सबस्ट्रेट फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल हैं जबकि सबस्ट्रेट है एक जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है स्लो अब सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन आती है उसमें हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन की कंडीशन है कि सबस्ट्रेट ऐड किया गया है पहले से मौजूद एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में तो सबस्ट्रेट ऐड करने की वजह से जो भी हमारे पास एंजाइम अवेलेबल थे उनके साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा और बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इससे हमारे पास रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और हमारे पास ये सारी साइड्स हो जाएंगी फिल इसके बाद अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट बचता है तो उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता और रिएक्शन और स्पीडअप नहीं होगा जब हमारे पास एक दफ़ा एंजाइम्स सारे यूज़ हो गए नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर टू इफ़ यू हेड मोर साट टू एन ऑलरेडी अक्रिंग एन्जायमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वॉट इज़ द फॉर्म गिवन फॉर दिस सिचुएशन अब हमारे पास ये वही स्टेटमेंट है जो हमने कंडीशन नंबर थ्री में देखी थी कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ऐड करने के बावजूद अगर रिएक्शन की स्पीड बढ़ नहीं रही है रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है क्योंकि एंजाइम हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ मिलकर बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब जब एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो सकता ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और ऐड करने के बावजूद रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एंजाइम हमारे पास हैं सैचुरेट सैचुरेट का मतलब है भर जाना अवर्स के जरिए हम देख सकते हैं अन और सैचुरेट सोल्यूशन सैचुरेट का मतलब है भरा हुआ और अनसेचूरेटेड है इसका ऑपोजिट जो कि अभी तक खाली है नेक्स्ट है हमारे पास एमसी क्यू नंबर थ्री द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन हमारे पास एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन क्या है कैन बी रिड्यूस इनहिबिटर नंबर थ्री द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन क्या है ये हमारे पास है एक एंजाइम और इसके ऊपर आकर अटैच होता है सबस्ट्रेट और मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये हमारे पास कैटेलाइज रिएक्शन यानी स्पीड अप रिएक्शन करवाता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है अगर हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा तो सबस्ट्रेट की जगह आकर कौन अटैच हो रहा है दैट इज इनहिबिटर इनहिबिटर का मतलब है रिएक्शन को रोकने वाला नंबर फोर एक्टिव साइट ऑफ एन एनजाइम एक्टिव साइट क्या है हमारे पास वो साइट है जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव एक्टिव साइट साइट अब हमारे पास डिटरमिन करता है स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम यानी एक्टिव साइट हमारे पास उस सेम शेप में आएगा जो कि हमें चाहिए फॉर फिटिंग ऑफ सबस्ट्रेट इन दोनों की फिटिंग होगी क्योंकि ये है लॉक एंड की मॉडल एंजाइम है लॉक शेप और सबस्ट्रेट हमारे पास इसकी की यानी चाबी की शेप है जो कि आपस में अटैच होकर बनाते हैं लॉक एंड की मॉडल नंबर फाइव विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू एंजाइम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन यह हमने पीछे ब्लैंक में भी देखा है दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक अगर उनकी थोड़ी सी भी शेप चेंज हो जाती है पीएच या टेम्परेचर तो एंजाइम जो है स्पीडअप नहीं करता रिएक्शन को क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला हमारे पास क्वेश्चन है एटम्स इन एन एंजाइम ऐसी दो कंडीशन के नाम लिखें जो हमारे पास एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तबाह कर देते हैं और इनके दरमियान जो मौजूद बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है पी वैल्यू एवरी एनजाम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पी जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पी हर एंजाइम की हमारे पास डिफरेंट पीएच होती है जिस पे वो बहुत अच्छे से काम करता है अगर ये पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो एक्सट्रीम चेंजेस आ जाते हैं पीएच में जिसकी वजह से एंजाइम के ऊपर जो मौजूद बॉन्ड्स हैं ऑब्वियसली हमने पीछे देखा था कि एंजाइम हमारे पास मिलकर बने हैं छोटे छोटे यूनिट से अमाइनो एसिड के जब हमारे पास पी वैल्यू चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस में तो क्या होगा एंजाइम के हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये डी नेचर हो जाएगा डी नेचर का मतलब है जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अब एंजाइम किसी काम का नहीं होगा हमारे पास है एक एंजाइम जिसके अंदर हमारे पास एक्सट्रीम चेंजेस होंगे पीएच के तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एंजाइम होगा डी नेचर्ड सेकेंड हमारे पास कंडीशन है टेम्परेचर बिल्कुल पीएच वैल्यू की तरह हमारे पास टेम्परेचर का भी एक नैरो रेंज होता है जिसे कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे हमारे पास एंजाइम अच्छे से काम करता है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है अगर हमारे पास टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इस तरह के चेंजेस में हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा और फिर से हमारे पास वही आ जाएगा कि एंजाइम काम नहीं करेगा इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पीएच वैल्यू और टेम्परेचर अगर हमारे पास ऑप्टिमम होगा तभी रिएक्शन हमारे पास स्पीडअप होगा अगर हमारे पास ये एक्सट्रीम चेंजेस होंगे कि कोई भी जो टेम्परेचर है या पी है अपनी वैल्यू से आगे या ऊपर नीचे हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा एंजाइम? डी नेचर हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और फिर रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी कि किस तरह से लो या हाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी यानी उसकी स्पीड को द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्पीड बढ़ती है उसकी टेम्परेचर के बढ़ने से बट अप टू अर्टेन लिमिट एक लिमिट के अंदर के हमारे पास एक रेशो है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए तभी हमारे पास एंजाइम अच्छे से काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे इंजाम एक्टिविटी हमारे पास अच्छे से हो सकती है दैट इज़ थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इसके बाद हमारे पास इस तरह का टेम्परेचर अगर और बढ़ता रहे तो क्या होगा रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर हीट ऑल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अब हमारे पास जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी बढ़ती है उतने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा आने से ज़्यादा कोलिजन होगी आपस में टकराएंगे मॉलिक्यूल्स और फिर इस तरह से हमारे पास क्या होगा इसके इंक्रीज़ होने से एक इस तरह की स्टेज आएगी जहाँ पर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो लॉस्ट हो जाएगा यानी कि उसकी जो नेचर है वो डी नेचर हो जाएगा एंजाइम और उसका स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अब इसी को हम देख लेते हैं ग्राफिकली वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ़ रिएक्शन यानी इसकी स्पीड और एक्स एक्सेस पे है टेम्परेचर अब यहाँ पर हमारे पास हर टेन डिग्री राइज ऑफ़ टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ़ रिएक्शन है वो डबल हो रहा है फॉर एक्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर है एंजाइम का रिएक्शन टू तो हर टेन डिग्री के बाद अगर हम ट्वेंटी पे पहुँचे हैं तो हमारे पास इसका रिएक्शन है डबल इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हर टेन डिग्री पर बढ़ता रहेगा अप टू दी ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद हमारे पास अगर और यहाँ पर बढ़ता है टेम्परेचर तो क्या होगा डी नेचरेशन शुरू हो जाएगी यानी जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा हमारे पास डी नेचर हो जाएगा और अब एंजाइम हमारे पास किसी भी रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो खुद ही उसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो चुका है अब ये हमारे पास था ऑप्टिमम टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम पीछे भी डिफाइन कर चुके हैं अब यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इफ़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉवलेंटली बॉन्डिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर यही हमारे पास लूजली अटैच होगा तो हम इसे कहेंगे को एनजायम प्रोस्थैटिक ग्रुप हमारे पास टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ और ये हमारे पास टाइप है को फैक्टर की नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम इनहिबिटर का मतलब है कोई भी ऐसा एजेंट जो कि रिएक्शन को स्टॉप करवा देता है रोकता है उसे हम कहते हैं इनहिबिटर एंड इनहिबिटर इज अ केमिकल सबस्टांस विच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट हमें पता है कि एंजाइम के साथ आकर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है और बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लेकिन अगर हमारे पास इनहिबिटर है तो ये सबस्ट्रेट की जगह पर रिएक्ट करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह बन जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जिससे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन सकता अब ये हमारे पास है कि एंजाइम इसके साथ आकर अगर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकेगा और इस वजह से हमारे पास ये इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा टेम्प्रेरी तौर पर या फिर परमानेंटली फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइजन साइनाइड एंटीबायोटिक्स एंटी मेटाबोलाइट्स ये सारे हमारे पास क्या है? inhibitor हैं इहीबिटर की टाइप्स हैं इन्हेबिटर को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इस तरह है कि एक दफ़ा आकर इन्हीबिटर अटैच हुआ है तो उसने परमानेंटली ख़राब कर दिया एंजाइम को और अब वो किसी और तरह से भी उसको यूज़ नहीं किया जा सकता जबकि रिवर्सिबल इहीबिटर क्या है कि अगर इनहिबिटर आकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा और सबस्ट्रेट की जगह बन जाएगी जिसकी वजह से एंजाइम बाद में यूज़ हो सकता है इस तरह के इनहिबिटर को हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर जो कि परमानेंटली ब्लॉक नहीं करता है एक्टिव साइट को नंबर फाइव हाउ डज़ एन एंजाइम एक्सेलोरेट मेटाबॉलिक रिएक्शन के किस तरह से एक एंजाइम हमारे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन दैट इज़ कॉल्ड कैटालिसिस इसमें सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास आगे से बना देता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट अब एंजाइम हमारे पास इस तरह की प्रोटीन है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देगी उसकी स्पीड को बढ़ा देगी लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा और ये यूज भी नहीं होगा उस रिएक्शन में सेम उसी हालत में हमारे पास प्रोडक्ट के साथ दोबारा एंजाइम बच जाएगा और इस एंजाइम को हम री कर सकते हैं फॉर अनादर स्पीड अप रिएक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग